भाजपा के आगरा एतमादपुर से विधायक राम प्रताप चौहान एमएलसी स्नातक पद के लिए 2020 में होने वाले चुनाव को लेकर एक बैठक करने मथुरा आए। चुनाव के प्रभारी राम प्रताप चौहान ने पार्टी के जिला कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान विधायक राम प्रताप चौहान ने राम मंदिर मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने जो नक्शा फाड़ा वह कदम उनकी निराशा को देखता है, वह हतोत्साहित हो। उन्होंने कहा कि यह देश राम का है और ईश्वर की कृपा से मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने अयोध्या में धारा 144 लगाने, सुरक्षा बढ़ाने पर कहा कि किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए सरकार जवाबदेही होती है। अभी त्योहार का समय है और ज्यादातर धारा 144 लागू हो जाती है। बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2020 में मंदिर बन जाने के संकेत दिए। ये कार्यकर्ताओं का, माननीय मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी का ये नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का जो परिश्रम है उसका कारण ये है कि तमाम दलों के जो अभी एमएलसी जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खटखटाने लगे थे, तो आज जो बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है और नेतृत्व के प्रति जो विश्वास है जनता का और कार्यकर्ताओं का, उसका परिणाम है कि हम 11 की 11 सीटें सब जीतने जा रहे हैं। चुनाव वो है जो भाजपा कभी अपने आप नहीं देखा। निश्चित रूप से पहले की स्थितियाँ परिस्थितियाँ अलग रही होंगी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गंभीरता से चुनाव को लड़ रही है और लगातार हम लोग की तैयारी चल रही है। चुनाव के संबंध में प्रदेश में 11 सीटों पर ये चुनाव हो रहा है, इसमें 5 स्नातक के और 6 शिक्षक के हैं। तो ये आगरा खंड स्नातक का चुनाव है, जस्टिस सब लोग यहाँ हैं और पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी की वोट बनाने का काम चल रहा है, कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हैं और मुझे लगता है कि जो पहले जो भी रहा होगा, लेकिन इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जीतेगी और जीतेगी ही नहीं, बड़े अंतर से चुनाव को जीतेगी। 12 जिलों के ग्रेजुएशन वोट हो गए, स्नातक के वोट हो गए, कितना टफ होंगे? निश्चित रूप से चैलेंजिंग काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन है बूथ स्तर पर, सभी कार्यकर्ता लगे हैं और पार्टी ने जिनको अधिगत किया वो भी कार्यकर्ता हैं। जो प्रत्याशी खुशी कुमार मालवीय जी वो भी कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के लिए कार्यकर्ता बहुत मनोयोग से लगता है और वो स्वयं भी मेहनत कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता के लिए मेहनत कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों ने जो टारगेट फिक्स किया है कि बड़े अंतर से सीट को जीतना है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग मिलना है। MLA और MLC दोनों बिल्कुल आपको चुनाव है, MLA में जनता की जवाबदेही होती है, इसमें आपको वोटर ढूंढ के लाने हैं, वो वोटर जो आपके स्नातक हैं। हाँ, ये बात निश्चित रूप से कि वोटर बनाना है, लेकिन ऐसा नहीं है अब तक जो MLC रहे इन क्षेत्रों में, चाहे शिक्षक में और चाहे स्नातक में, वो केवल अपने धन बल या अपना पूछ के अवसर करके इस तरह से रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब जीत के आएगा तो कार्यकर्ता होगा, उसकी जवाबदेही कार्यकर्ता को प्रति और जनता के प्रति भी रहेगी। संगठन भी, चाहे हम विधायक हैं, चाहे सांसद हों, चाहे MLC होंगे, राजसभा हो, सब पर अपना ध्यान रखता है और इस तरह से रखता है कि उनके वो क्या कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे जब MLC जीतेंगे तो निश्चित रूप से वो जनता के प्रति भी जवाबदेह होंगे और संगठन के प्रति भी जवाबदेह होंगे। जो स्नातक वोटर है उसकी सबसे बड़ी डिमांड होगी एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एम्प्लॉयमेंट पैदा की है, कौशल विकास केंद्र के माध्यम से तमाम लोगों को हुनर को तराशा गया है और स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तमाम लोगों को लगभग 20 करोड़ के आसपास लोगों को लोन दे के, केवल सरकारी नौकरी ही नहीं, अपना काम कर सके उसको लोन मिले, वो अपना जो उसके अंदर हुनर है उसको, अपने उस पैसे की जो कमी थी उसको पूर्ण करने का काम किया है। तो लगातार हो रहा है, ये वातावरण बनाया गया है कि नौकरियाँ कम हैं, ऐसा नहीं है, लगातार नौकरी मिलेगी। और मैं आपको बहुत ही मजबूती के साथ कहना चाहता हूँ कि मेरे इतने बच्चे तो आपके भी अगर किसी बच्चे को नौकरी मिली होगी तो भ्रष्टाचार समाप्त किया है बिल्कुल, ये जो इंटरव्यू समाप्त किए हैं ये भ्रष्टाचार की जननी थे। मैं निश्चित रूप से मोदी जी, योगी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने उस भ्रष्टाचार की जननी को खत्म किया है और आज बिना किसी उसके सिफारिश के, बिना कोई धनबल के, अपने आप लोगों को नौकरी मिली। तो हमारे पास आते हैं, मिलते हैं, कहते हैं कि साहब एक पैसा नहीं लगा, घर बैठे कोई लेटर आ गए। तो ये बहुत अच्छा एक प्रयास है और आगे आने वाले समय में जो बहुत ही खराब स्थितियाँ पुराने सरकार में छोड़ दी गई थी उसको ठीक करना पड़ा था। आप भी जानते हैं कि मकान नया बनाओ तो जल्दी बन जाता है, लेकिन जब मकान को जीड़ जीड़ अवस्था में छोड़ के जाता है उसको फिर से खड़ा करना, फिर से बनाना थोड़ा समय लगता है। और आपको केंद्र में परिवर्तन दिख रहा है, प्रदेश में केंद्र में परिवर्तन दिख रहा है, आने वाले
के समय में एक स्वच्छ सरकार को देने की बात है, उसको हम लोगों ने दिया है। आगे आने वाले समय में चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, व्यापारी हो, अपनी पेशा सबको शुद्ध रहेगा, समृद्ध रहेगा। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden World class catering Centrally air condition Lush green lawns State of the art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden At JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।